देख रहे हैं फर्स्ट पोस्ट और एक नजर डालते हैं शुक्रवार सुबह 11 बजे तक की न्यूज हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में आज आर्टिकल 35A की वैधानिकता को चुनौती देने वाले याचिका पर सुनवाई हो रही है। सोमवार को दरअसल ये सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर के राज्य को विशेष दर्जा मिला हुआ है। दरअसल आर्टिकल 35A के प्रावधानों के तहत राज्य विधानसभा को ये अधिकार है कि वो सूबे के स्थायी निवासियों को परिभाषित कर सके। आर्टिकल 35A की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के विरोध में आज जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों ने बंद का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय नेपाल दौरे पर हैं। इस दौरान उन्हें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि आतंकवाद और उससे जुड़े अपराध और ड्रग ट्रैफिकिंग से इस समय पूरी दुनिया जूझ रही है। इस मौके पर उन्होंने डिजिटल कनेक्टिविटी पर जोर दिया, साथ ही उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ भारत की नीति की प्राथमिकता पर भी जोर दिया। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम अब बदल दिया गया है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि काफी समय से नाम में बदलाव की मांग की जा रही थी, जिसके बाद सरकार ने नाम में महाराज लगाने की इजाजत दे दी है। भारत और इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम में 4th टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहले दिन इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 246 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने बिना विकेट खोए अब तक 19 रन बना लिए हैं। एक समय इंग्लैंड के 6 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे, जिसके बाद लग रहा था कि इंग्लैंड एक बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाएगी, लेकिन सैम करन ने शानदार 78 रनों की पारी खेलते हुए इंग्लैंड के स्कोर को 246 रनों तक पहुंचाया। 18वें एशियाई खेलों में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं और आज भारत को एक बार फिर पदक की उम्मीद है। भारत की महिला हॉकी टीम का आज फाइनल में जापान से मुकाबला होने जा रहा है। अब तक भारत ने पिछले प्रदर्शनों को सुधारते हुए कुल 59 मेडल्स ले लिए हैं, जो कि पिछला रिकॉर्ड 56 मेडल्स का था, और इस बार पहले के मुकाबले 2 गोल्ड भी ज्यादा आए हैं। सुबह 11 बजे तक की न्यूज हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी फर्स्ट पोस्ट .com।